नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंह टेक्निकल स्टूडियो में। मैं अंकित आपके साथ एक बार फिर नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे गूगल पर ब्लॉगर को क्रिएट करते हैं, ब्लॉग कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे वे करते हैं और उसे डिजाइन कैसे करते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ब्लॉगर में जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको अपने उसी अकाउंट से लॉगिन करना है। जैसे ही आप उस अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपके साथ इस इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब आपको देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रेड कलर में न्यू पोस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आए। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें अपना टाइटल लिखना पड़ता है। टाइटल वो होता है जैसे किसी भी पोस्ट या वीडियो के आपने शुरू में देखा होगा कि ब्लॉगर कैसे बनाए, ब्लॉगर क्या करते हैं, मतलब ब्लॉगर कैसे बनता है, ब्लॉगर फ्री में होता है या कैसे होता है। जैसे कि जो भी हेडलाइन ऊपर की होती है उसे हम टाइटल कहते हैं। जैसे कि आप कहीं भी सर्च करते हैं कि गूगल पर ब्लॉगर कैसे बनाए, तो दोस्तों उस पर जो सबसे ऊपर उसकी हेडिंग होती है उसे हम टाइटल कहते हैं। तो टाइटल आपको यहाँ डाला जाता है क्योंकि टाइटल ही सर्च रिजल्ट में आता है, ये आपको पता होगा शायद। तो यहाँ पर आप एक्स वाई जेड जो भी आप डालना चाहते हैं, टाइटल जिस पे आप बनाना है वो टाइटल आप लिख दीजिए। और उसके बाद में आप पोस्ट के बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले गूगल पे जाके ब्लॉगर सर्च करिए, जो भी आप सब करना चाहते हैं वो आप लिख देते हैं। और उसके बाद में आपको जैसे कि यहाँ पर कहीं पर वही फ़ोटो ऐड करना है तो आप वहीं पर रुक के और इसे जूम करके जहाँ पर आपको ये लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके पड़ोस में आपका फ़ोटो इमेज का जो ऑप्शन है इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको चूज फाइल्स पर क्लिक करके आप मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं, बाकी इस देश ब्लॉग से भी और बाकी कई भी जगह से अपलोड कर सकते हैं आप। तो फिलहाल हमें मोबाइल से ही अपलोड किए लेता हूं एक फ़ोटो। चलो फिलहाल ये हैंड्स का मैं अपलोड किए लेता हूँ। ये अपलोड हो गया। अब आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में ऐड सिलेक्टेड पर क्लिक कर देना है। आपकी पोस्ट में अभी ये फ़ोटो देखिए आ गया। यहाँ पर इसके बाद में आप जो भी टाइप करना है टाइप करके और करने के बाद पर पब्लिश पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे सेव कर लें और बाद में पब्लिश करें तो आप सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं और बाद में पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद में इस पोस्ट को प्रीव भी कर सकते हैं इससे पहले कि ये ब्लॉग पर जाकर कैसी लगेगी। फिलहाल मैं यहाँ पर पब्लिश किए दे रहा हूँ। अब देखिए हमारी ये पोस्ट पब्लिश हो गई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये पोस्ट कैसी लगती है ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस पर रिफ्रेश जैसे ही करेंगे, जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश की दोस्तों, एक ये पोस्ट हमारी इस ब्लॉग पे आ गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको डिजाइन करने के लिए लगभग दो तीन पोस्ट इस पर डालनी ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं दो चार पोस्ट और लिख देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस पर चार पोस्ट लिख ली हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉग कैसा दिख रहा है इस समय। दोस्तों, अब जैसे कि देखिए, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से दोबारा एक बार। ये देखिए ब्लॉग हमारा इस प्रकार दिखता है। अब हम इसे डिज़ाइन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको फिर अपनी वही ब्लॉग की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको देखिए एक थीम का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जैसे ही थीम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए, इसमें आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही जो आप चाहें इस पर जिस पे चाहें क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करें तो इस पर आप जैसे चाहें ये पहले लाइव प्रीव हो जाएगी, मतलब आपको दिखाएगी कि कैसे दिखेगी इस प्रकार की ये थीम दिखेगी। अगर आपको चाहें तो इस पर अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद सीधे लग जाएगी और उसके बाद में आप चाहें तो कोई और भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कोई कस्टमाइज थीम, तो कस्टमाइज थीम के लिए आप गूगल पर जैसे ही सर्च करेंगे ब्लॉगर थीम तो काफ़ी सारी थीम्स आ जाती हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके वो जो कि ये फाइल में होती है वहाँ डाउनलोड करके उस एक्सट्रैक्ट करके उसकी जो XML फाइल होती है वो आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो वो कहाँ अपलोड करनी पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। गॉट इट। देखिए थीम सेव हो गई हमारी। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई है, कोई थीम आपने ब्लॉगर से गूगल से डाउनलोड की है, तो उसके लिए आपको बैकअप और रिसेट का जो एक ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की आपके सामने एक पॉप विंडो खुल के आ जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि वो फाइल हमें बताओ कि कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चूज़न फाइल पर क्लिक करना है।
चूजन फाइल पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप चूजन फाइल पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको ये फ़ाइल एग्जास्ट हो जाएगी। इसमें जो आपको ये XML वाली जो फ़ाइल है वो आपको चूज़ करनी है, ये वाली जो फ़ाइल होती है, और उसके बाद में इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका इसका लेआउट आपको शो कर देगा। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा करने वाला, तो मैं बैक किए दे रहा हूँ। अब आपको हम इसको दिखाते हैं इसका कि ये अब कैसी साइट दिखने लगी है। तो दोस्तों जैसे कि हम इसे दोबारा से रिप्लेस करते हैं, देखिए हमने रिफ्रेश किया, चेंज हो गया हमारा लेआउट, इसका चेंज हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि अगर इसकी अगली सीरीज़ देखें तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट कमेंट नीचे, अगर कोई राय हो आपकी तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमें बताएँ, तो हम आपको अगली वीडियो इसकी ला कर देंगे। धन्यवाद।